one side must be true, or then we have not. तो not क्या है, ये हमें basically inverse देती है, ठीक है. Give us the inverse of the result, okay? ठीक है. अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. और स्टार्ट में एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था, आप दोबारा पूछ लें, फिर हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं. मेरे माइंड से निकल गया था सर, मैंने पूछा था वो स्ट्रिंग की पोजीशन हमने पढ़ा था पास्ट लेक्चर में, तो वो अगर हम दोनों नंबर अगर हम नेगेटिव लें तो वो कैसे होगा, वो थोड़ा समझा दें. हम देख लेते हैं. इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना आप? जी सर. असल में तो शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या, ये जो नोटबुक है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही. ओके, ये चूंकि आई थिंक ऑनलाइन है तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है. मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ. ओके, ठीक है. प्रॉब्लम कर रहा है. ये इंटरनेट की वजह से हो सकता है ना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ. ओके, हाँ जी, आप ठीक हैं. ओके, हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो थी हमारे पास, यस जी. तो आप ये पोजीशन हमने इसकी फाइंड की थी यहाँ पे, ठीक है. अच्छा, आप लिखवा सकते हैं क्या आप पूछ रहे थे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. जी सर, पहला नेगेटिव है कोई नंबर लें और दूसरा भी नेगेटिव लें, दो नंबर लें सर. ओके, मैम वुड यू टेक दिस क्वेश्चन? ऑलराइट, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव में डिवीजन हो. जी मैम. डिवीजन सर, और डिवीजन. अच्छा, डिवीजन की बात कर रहे हैं ना आप? जी. अच्छा, डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है. वो तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर है ना, यहाँ पे ना? नो सर, मैं स्ट्रिंग पोजीशन में नेगेटिव नंबर अगर हम लें तो उसकी पोजीशन मालूम करनी हो नेगेटिव में. अच्छा,
हाँ ठीक। अच्छा अभी वैसे हमने ये पढ़ा था कि एक नंबर अगर पढ़ा हुआ तो उसका इंडेक्स, मतलब हमने ये वैसे अभी नहीं देखा था कि वो अगर नंबर फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स देते हैं तो उस नंबर की पोजीशन आप नंबर मिलता है कि नहीं। आपका यही क्वेश्चन है ना कि आप नंबर दें जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स का ऑपोजिट यानी आप उसको वो वैल्यू दें और वो आपको कैरेक्टर मिल जाए। जी सर। ओके अच्छा वैसे अभी ये हमने डिस्कस नहीं किया, हम इसमें कर लेते हैं, ये लिस्ट में कर लेते हैं। वैसे लिस्ट के टॉपिक मैंने यही करना था कि वो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट मिल जाता है। जैसे हमने वहां पे एन एन को सर्च किया था तो हमें उस एन की वैल्यू यानी एन की पोजीशन मिली थी ना इंडेक्स। तो इसी तरीके से ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास लिस्ट है तो आप उसमें उसकी वो पोजिशन पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टू करेंगे तो जो टू प्लेस पे वो कैरेक्टर आ रहा है वो आ जाता है। तो ये है अभी हम करेंगे इसको। हाँ जी अच्छा एक्सक्यूज मी सर, ओके यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। जी 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 मैम प्लीज। हाँ, हमारे पास अगर हम लोग स्ट्रिंग को देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग जो होती है वो सेम एज इट की तरह बिहेव कर रही है। स्ट्रिंग में से भी अगर हम लोगों ने कोई भी अपना करेक्टर्स यानी लेना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग अपना करेक्टर को गेट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास सेटरिंग है उसका कोई करेक्टर अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं तो वो हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग अपनी सेटरिंग में से कोई भी करेक्टर को गेट कर सकते हैं। सेम लाइक अरे, अरे की इंडेक्सिंग और सेटरिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो सर ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे तो काइंडली अगर आप थोड़ा ऊपर कर दें और ये अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें कि आप पूछना रहे थे। हाँ वही उनका ये क्वेश्चन था कि जैसे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर मैं इस आर को जैसे आपने लिखा है तो मैं आर को गेट करना चाहता हूँ। ठीक है जी तो मैं फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आर की पोजीशन जो है वो है हमारे पास 0 1 2 पोजीशन पे। तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप 2 पुट करते हैं तो आपको आर मिलना चाहिए ना। तो इसी तरीके से उनका ये क्वेश्चन था कि अगर आप नेगेटिव पुट करते हैं, -2 अगर आप पुट करते हैं तो जी आपको क्या मिलेगा, मतलब। वो अगर हाँ हम जी लोग यहाँ पे लास्ट वाला करेक्टर चाह रहे होते हैं तो वो -1, अगर -2 पुट करेंगे तो सेकंड लास्ट, -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आपके पास थर्ड वन लास्ट से थर्ड वन, इस तरह से वो इंडेक्सिंग चल रही होती है। अगर स्टार्टिंग से करें तो वो तो 0 से चल रही होती है ना। अगर आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये -1 पे पड़ा हुआ है, ये -2 पे पड़ा हुआ है, ये -3 पे पड़ा हुआ है, ये -4 पे पड़ा हुआ है, ये -5 पे, ये -6 पे। ठीक है ओके मैम आगे सुनो। जी अच्छा वैसे ये चीज ना जी हम लिस्ट में करने जा रहे हैं डिस्कस डिटेल में, यही चीज ठीक है आप। सर, जी वालेकुम सलाम। जी इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे पास स्ट्रिंग और जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो मतलब जो एक साइड से मतलब लेफ्ट टू राइट हम उस तरह कोई भी इंडेक्स दे के हम उस एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए 0 से नहीं होती, वो -1 से स्टार्ट होती है, यस उसमें 0 नहीं इंक्लूड होता। तो एक ये मेरे माइंड में थी बात। जी सर, आप आगे मूव कर सकते हैं। ओके 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 हम इफ स्टेटमेंट करते हैं फिर उसके ये कुछ चीजें हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है हम इफ स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास है इफ स्टेटमेंट, कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है ना, तो कोई बता सकता है कि हम इफ स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, मतलब व्हाई डू वी यूज इफ स्टेटमेंट्स। और डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेंट में से अगर को बताना चाहे। सर, हाँ यस कंडीशन चेक आउट मतलब करने के व्हेनेवर लिए। हाँ जी हम मतलब इस वजह से करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन इन अ प्रोग्राम तो हम उस वजह से फिर जो है ना किसी प्रोग्राम में अगर कोई डिसीजन करना चाहते हैं तो उस वजह से हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि टेम्परेचर ठीक है,
तो टेम्परेचर को मैंने 40 कर दिया लेट्स से, ठीक है। तो अब मैं इफ आपने ये आपको नजर आ रहा है ना इफ, ठीक है। तो इफ अब मैं आगे कंडीशन लगा रहा हूँ कि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, और उसके बाद मैंने ये कॉलन डाला है, ठीक है। जब मैं कॉलन डाल के तो इसको एंटर करता हूँ, तो ये कॉलन यानी ये जो जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंडेंटेशन इसको कहते हैं, यानी ये वाली स्पेस मुझे ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि प्रिंट इट इज अ हॉट डे अगर ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। और फिर मैं ये मैंने एक और लिख दिया कि प्रिंट इट इज टाइम फॉर ड्रिंक, ठीक है। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं लेट्स से, तो हमें इट इज अ हॉट डे मिलेगा, इट इज टाइम फॉर ड्रिंक मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ये टेम्परेचर, आप इसको एक वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि टेम्परेचर 40 है, और फिर कंडीशन लगाई है इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर ये कॉलन डालते हैं तो हमें ये जो है ये वाली स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे आप इंटर करते हैं तो प्रिंट इट इज अ हॉट डे और प्रिंट इट इज टाइम फॉर ड्रिंक, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम ये काम करें, लेट्स से कि मैं यही चीज लेता हूँ और इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कैसे करता हूँ चेंज इसको, कि मैं यहाँ पे जो टेम्परेचर था मेरे पास वो है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ, टेम्परेचर को मैं 28 कर देता हूँ लेट्स से, या 29 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर 29 है और अगर मैं अपनी स्टेटमेंट देखूँ यानी इफ स्टेटमेंट, तो वो क्या है कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, तो इट मीन्स कि ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा ना, तो इन दैट केस ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कंडीशन है इफ स्टेटमेंट, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। फिर इसी तरह से ये भी होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ऐड की है स्टार्ट पे, अगर आप देखें यहाँ पे यानी इफ वाली कंडीशन, ठीक है। तो अगर मैं एक से ज्यादा यानी सॉरी ये वाली कंडीशन, दिस वन इफ कंडीशन, ये मैंने एक ऐड की है, अगर मैं एक से ज्यादा ऐड करना चाहूँ एक ही उसके अंदर, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ये एक कंडीशन ऊपर थी, ठीक है। तो अब मैंने ये काम किया है, दिस वन ये ऑलरेडी थी, तो मैंने ये काम किया है कि एक और स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। तो जब भी आप एक से ज्यादा कंडीशन उसके अंदर करना चाहते हैं, तो आप ये लिखेंगे एलिफ टेम्परेचर लेस देन 30, और आप इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इट इज अ नाइस डे, ठीक है, इट इज अ नाइस डे। तो इट मीन्स कि आप एक ही ब्लॉक के अंदर यानी आप एक से ज्यादा कंडीशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई थर्ड कंडीशन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप अगेन क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे एलिफ और आगे वो कंडीशन आप उसके अंदर ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। और कंडीशन ऐड करने के बाद ये कॉलन डाला जाता है और फिर आप प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो हमें उसका रिजल्ट या उसका आउटपुट जो है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ओके अच्छा, अब ना हम देखते हैं कि लूप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी जो हम करेंगे वो है हमारे पास व्हाइल एक्सक्यूज लूप। मी सर, जी, सर एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट लेट्स सपोज रन नहीं करती तो उसके बाद वो एलिफ को चेक करता है, ओके तो अब अगर एलिफ भी नहीं चलती तो उसके नीचे अगर नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट ज्यादा हो तो फिर मतलब कौन कौन सी चेक करेगा, इस तरह कुछ मतलब इसके बारे में थोड़ा बता दें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना, इसमें इसमें हमने टेम्परेचर को क्या रखा है, 25 रखा है, ठीक है। और हमारी जो इफ कंडीशन है वो है टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, इट मींस कि यहाँ पे ना वो कंट्राडिक्शन सी आ गई है। बट जो हमारी दूसरी कंडीशन है, हमने उसमें लिखा है टेम्परेचर लेस देन 30, ठीक है। तो अब जब टेम्परेचर लेस देन 30 है, तो ये वाली कंडीशन इस ऊपर वाली कंडीशन को, टेम्परेचर 25 को, ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर इसने ये वाला पिक किया है, ठीक है। मैम आपने अगर कुछ इसमें ऐड करना है तो कर लें, क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो तो ये इस वेरिएबल को सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, मतलब जो हमने पहली बनाई है उसमें चूंकि टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है, तो सर हमारी जो इसमें मैं दूसरी थोड़ा ऐड कंडीशन, करना चाहूंगा, जी
सर आई थिंक ऐसा है कि अगर इफ वाली स्टेटमेंट को वो चेकआउट करता है और वो रन कर जाती है, तो वो जो बाकी एल्फ वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वो चेकआउट नहीं करता। लेकिन अगर अच्छा वो इफ वाली को फर्स्ट टाइम पे चेक करता है और वो रन मतलब नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो नेक्स्ट एल्फ को चेक करेगा। वो नहीं करती तो फिर वो नेक्स्ट एल्फ को चेक करेगा। इस तरह वो एल्फ को मतलब वो सबको बारी बारी चेक करता है, लेकिन इफ वाली के सामने वो सिंगल इफ को फिर चेक करता है। अगर वो रन हो गई तो वो बाकी किसी को चेक नहीं करेगा, वो एट द एंड मतलब उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर एलिफ में है तो वो सबको चेक करेगा। मैं मेरे हिसाब से तो सर थोड़ा ऐसा है, लेकिन इसके अगर कोई और मतलब कंफर्म कर दे तो। हाँ मैम, आप कुछ अगर मैम हिजाब है हमारे साथ और मैम अनम भी हैं, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। एग्जैक्टली सर, एलिफ में हमारे पास मल्टीपल एलिफ भी यहाँ पे हो सकती है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंडीशन है, पहली एलिफ पे ट्रू हो गया, तो बाकी उसने एलिफ किसी को भी चेक नहीं करेगा, वहीं पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वहां पे हमारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, बाकी एलिफ्स को वो चेक नहीं करेगा। हाँ जी, ओके। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पाइथन में हमारे पास स्विच केस एग्जिस्ट करता है, अगर हम इफ एल्स की जगह स्विच केस यूज करना चाहें तो क्या हम स्विच केस यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, हम लोग एलिफ की जगह स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू, वेलकम। सॉरी, मेरा कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ स्क्रीन। मैं मुझे होस्ट बना दें ताकि मैं स्क्रीन दोबारा इसको शेयर कर सकूँ। सर मैम, हिजाब का भी आई गेस इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम था, तो वो यहाँ पे नहीं है। मैंने कोशिश करती। अच्छा सर, ओके। सर यहाँ पे हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं ना? जी जी कर सकते हैं। असल में ये एक लास्ट 2-3 दिनों से, 1-2 दिन से ना वो काफी इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, तो सर उनका इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हुआ हुआ है, तो अभी वो रिस्पांस नहीं कर रहे। अच्छा मैं चलें चेक करता हूँ उधर से। ओके, 1 सेकेंड। सर अभी आप चेक करें, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकेंगे? यस मैम, थैंक यू सो मच, हो गया आप। ओके। अच्छा, स्क्रीन तो मेरी नज़र आ रही है ना सबको? जी सर, ओके आप विजिबल है। ओके। अच्छा तो आप ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं 1 to 5, तो हम एक तो मतलब उसका जो ट्रेडिशनल वे कुछ इस तरह से होगा ना, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5।
हम इसको अगर एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमें 1 to 5 नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ये कोई एफिशिएंट वे नहीं है, क्योंकि अगर आपसे यही कहा जाए कि आपने 1 to 5 तो कर लिए हैं, बट आपसे कहा जाता है कि आपने 1 to 1,000 or 100 or even 10,000 or 1,000,000 के लिए कहा जाता है कि आपने उनको प्रिंट करवाना है, तो जाहिर आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई राइट वे नहीं है इसको इस तरह से प्रिंट करवाना। तो हम एक एफिशिएंट जो वे है हम उसकी तरफ मूव करेंगे कि हम उसको कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो अब एफिशिएंट वे क्या है? अब एफिशिएंट वे ये है कि सबसे पहले हम 1 to 5 करवाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हमें ना एक चीज नजर आ रही है कि हम हर एक में ना जैसे 1 है तो 1 के बाद हमारे पास 2 मिल रहा है ना, इट मींस कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है प्रीवियस वैल्यू के अंदर। 1 है तो 1 के अंदर 1 इंक्रीमेंट हुआ तो हमें 2 मिला, फिर 2 के अंदर 1 इंक्रीमेंट 3, 3 के अंदर 1 इंक्रीमेंट 4, 4 के अंदर 1 इंक्रीमेंट 5, तो हर एक के अंदर ना 1 ऐड हो रहा है हर एक वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको टैकल करने के लिए, हम ये काम करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सबसे पहले मैं एक जो वैल्यू है आप इसको वेरिएबल कह सकते हैं वो इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं लिखूंगा कि i इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मुझे चाहिए 1 to 5, ठीक है, यानी 1 से लेकर 5 तक। तो मेरी जो कंडीशन मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि वाइल और i लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है, i लेस देन आर इक्वल टू 5, इट मींस कि 1 से लेकर i चूंकि 1 है तो लेस देन आर इक्वल टू 5 से मुराद ये होगी कि 1 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर मैं ये कॉलन डालूंगा एंड देन आई विल राइट प्रिंट i, और यहाँ पे हमने अब देखें फॉर एग्जांपल मैं ये काम कर देता हूँ और उसके साथ मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू जस्ट मैं ये लिख देता हूँ इफ आई जस्ट राइट ये चीज मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। अब देखें मुझे सारे के सारे जो है ना वो 1 मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मुझे 1 to 5 चाहिए था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जब ऐसा जस्ट आई कहते हैं तो ये फिर 1 को वो करना शुरू कर लेगा, तो हमें इसको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि हमें जो भी वो मिले उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो हम 1 को ऐड करेंगे। अब हमने ये कल पढ़ा था ना कि आप ओके अब देखिए हमें ये मिल गया है। तो ये क्या बेसिकली हमने ये कल एक पढ़ा था कि ये बेसिकली मैंने लिखा हुआ है i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि अगर आप नंबर के अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं उस वेरिएबल के अंदर तो आप लिखते हैं i प्लस एक एंड देन इक्वल एंड देन जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लें हमें 1, 2, 3, 4, 5 ये मिल रहे हैं नंबर यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो है वो 1000 तक चाहिए, मतलब 1 से लेकर 1000 तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा i इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो मैंने चेंज कर दी है, पहले 5 था अब i लेस देन आर इक्वल टू 1000, इट मींस कि 1 से लेकर 1000 तक सारे नंबर, एंड देन आई वुड राइट प्रिंट i, और फिर अब जो भी नंबर है ना हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं ना, जब 1 से 1000 की बात कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या चल रहा है, हर एक नंबर प्रीवियस के अंदर एक नंबर ऐड हो रहा है, इंक्रीमेंट जो हमारे पास है वो 1 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि i प्लस 1, और इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमें सारे नंबर्स जो 1 से लेकर हमारे पास 1000 तक हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है शायद इस वजह से ये स्लो कर रहे हैं। सर आई हैव क्वेश्चन। यस मैम। सर जब आपने ऊपर वाले सवाल में प्रिंट आई लिखा था तो क्या वो वाइल लूप के अंदर गया था, तो गया भी था तो 1 कितनी दफा रिपीट हुआ था, या वो वाइल लूप के बाहर से प्रिंट कर रहा था? ये आप कह रहे हैं कि जब हमने ये वाली कंडीशन हटा दी थी तब? जी जी। अच्छा अच्छा तो हम दोबारा चेक करते हैं इसको। हाँ जी तो अब ये आई को कर रहे हैं ना प्रिंट आई, तो अब देखिए ना आई जो है, अब मुझे यहाँ पे बताएं कि आई जो है हमने आई के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है ना कि आई लेस देन आर इक्वल टू 5, ऐसे ही लिखा है ना, और 1 क्या है, 1
वन फाइव से छोटा है ना, क्लियर। तो जब हम प्रिंट आई कहते हैं ना, तो प्रिंट आई तो फिर ये वन को ही रिपीट करता रहेगा। अब कितना टाइम करेगा, आई थिंक सर यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा क्योंकि वो, हाँ इनफाइनाइट लूप, यस इनफाइनाइटली करेगा, ठीक है। क्योंकि वन को वो जितनी भी टाइम लिखेगा ना, तो हर टाइम में ये चीज तो सेटिस्फाई हो रही है ना कि i इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कि i जो है ये 1 जो है वो 5 से छोटा है, क्लियर। तो अब इसमें ये 1 मतलब ये व्हाइल लूप में जा रहा है, यस। तो अब इसको हमने क्या करना है, हमें हमें चाहिए, हमें 1 टू 5 चाहिए, तो हमने फिर इसको लिमिट करना है कि हमें जो नंबर्स जो आउटपुट मिले वो इस तरह का मिलना चाहिए कि हर आउटपुट में जो है वो 1 ऐड होना चाहिए, यानी 5 तक। अब देखिए ना 1 यहाँ पे वो जितनी मर्जी दफा लिखे, ये हमेशा, अब इसमें ना कभी भी हमें 6 नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 जो है वो इससे बाहर चला जाता है इस कंडीशन से, इस लूप से, ठीक है। बट 1 वो जितनी मर्जी दफा प्रोड्यूस करे ना, इनफाइनाइटली भी अगर प्रोड्यूस करता है, तो वो 1 हमेशा इसके अंदर ही तो रहेगा ना, आई लेस देन आर इक्वल टू 5, इसके अंदर ही है ना 1, जितनी मर्जी टाइम वो करता है। बट जब हम इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं, तो वो एक टाइम हमें 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3 देगा, फिर 4, फिर 5। जब ये 5 पे आता है, तो यहाँ पे ये फिर क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। अब यहाँ से 6 पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो हमने यहाँ पे इसको जो कंडीशन दी है, जो हमने इसको लूप दी है, वो हमारे पास क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 5। इनफाइनाइटली से कर रहा है कि 1 हमेशा वो 5 से कम ही रहेगा, जितनी मर्जी दफा हम लिखें, तो वो हर बार आई को यानी 1 को ही प्रिंट करेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है वो इसको वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर एक्चुअली ऐसा होता है कि जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है, वो आइट्रेशंस होती रहती हैं, जैसे ही हाँ जी yes. जब भी हमारी कंडीशन पास होती है, तो वो लूप से बाहर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, यस। क्योंकि इसमें जितनी मर्जी दफा लिखेगा, वो कंडीशन हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है ना, यस। अब इसी तरीके से आप देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 1000 लेते हैं, तो ये आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। और अच्छा, अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर लें, लेट्स से अगर हम इसको 2 कर देते हैं, तो अब हम इसको देखते हैं कि अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा। अगर हम जो इंक्रीमेंट ले रहे हैं वो हम 2 का ले रहे हैं, आप देखें यहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंट 2 का लेते हैं, तो पहली 1 है, देन उसके अंदर 2 ऐड हुआ 3, एंड देन 2 ऐड हुआ 5, तो 5 पे ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वो लूप है, जो कंडीशन है, वो 5 तक है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल आप 1000 के लिए कहते हैं, तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, और ये बेसिकली ना इसी वजह से इफेक्टिव है कि जब आपके पास ज्यादा नंबर आपने प्रिंट करवाने हो, 1-2 तो आप चले करवा सकते हैं ट्रेडिशनल वे से, बट जब ज्यादा प्रिंट करवाने हो, तो फिर जाहिर आप हर दफा प्रिंट 1 प्रिंट 2 जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है, आप तो नहीं लिख सकते ना, तो फिर हम ये वाला कोड जो है वो यूज करेंगे। अब इसी तरह से अगर हम ये काम करें, हम ये काम करते हैं जी कि हमारे पास वही आई इक्वल टू 1 है, और हमने इसको दे दिया है कि हमारे पास जो लूप है वो है आई लेस देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। मीन्स अब हमें क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 तक मिलेगा। बट आगे ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने ये इस वजह से हमें 10 तक मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कंडीशन इंक्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर आप देखें, तो मैंने प्रिंट के अंदर ना थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। वो चेंजिंग क्या कर दी है कि मुझे मेरे पास जो आए है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, एक स्ट्रिंग यानी जी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका ये मतलब होगा कि जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो जी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक दफा, और जब आई 2 होगा मेरे पास, तो ये जी 2 टाइम मतलब आ जाएगा। जब आई 3 होगा, तो इट मीन्स कि 3 जी, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अब यहां पे आप देख लें कि हमें जी जी और यहां तक अगर हम पहुंचे, तो हमें 10 जी तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है कि जब आई 1 था, तो आई के साथ ये जी मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें 1 जी मिला। जब आई 2 होगा, तो ये जी अगेन मल्टीप्लाई होगा, तो हमें 2 जी मिलेंगे, ठीक है। और देन 3 जी, एंड देन 4 जी, एंड देन 5 जी, अप टू 10 जी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, हम कोई दूसरा नंबर भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ आई राइट एक्स वाई, लेट्स से अगर आप एक्स वाई लिखते हैं, तो हम देख लेते हैं हमें क्या मिलता है।
हाँ आप देख लें, हर एक के साथ ना आपको एक्स वाई मिलेगा, मतलब एक्स वाई अब यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब आई वन है तो एक एक्स वाई होगा, और जब आई टू है तो हमारे पास दो एक्स वाई होंगे, एक्स वाई यानी टू टाइम्स, ठीक है। एक्स वाई को आपने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है यहाँ पे, और फिर जब हमारे पास आई थ्री है तो हमें थ्री एक्स वाई मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब आई टेन होगा तो हमारे पास जो एक्स वाई होंगे, यानी एक्स वाई एक चीज है, तो ये हमारे पास 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 लिखे हुए आएंगे। तो ये एक ट्राइंगल की तरह से ये चीज बन रही है, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन किसी पर्सन का हो, या कोई आप ऐड करना चाहते हो? सर, यहाँ पे जो है ये एक जी स्टूडेंट का जी यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने किया हुआ है कि रिपीट कर दें, तो यहाँ पे हमारे ओके पास ये मैं रिपीट कर देती हूँ। वाई लूप में हमारे पास वाई लूप का सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को एक काउंटर की जरूरत होती है। उस काउंटर को हम लोग जो इनिशियलाइज, काउंटर का क्या मतलब है कि हम लोगों ने अपनी लूप कहाँ तक लेके चलनी है, और उस काउंटर को हम लोग हमेशा इनिशियलाइज करवाते हैं अपने वाई लूप के बाहर। यहाँ पे हम लोगों ने अपने काउंटर को इनिशियलाइज करवा लिया है 1 से। उसके बाद जो हमारे पास वाई लूप कीवर्ड लगा, उसके बाद हम लोगों ने अपनी कंडीशन सेट की कि यहाँ तक, यानी जब तक हमारा आई जो है वो 5 के से लेस देन या उसके इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो है अंदर वाली जितनी भी स्टेटमेंट हो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब फर्स्ट टाइम जब हमारे पास ये वाइल लूप ये आई जो है वो इनिशियलाइज हुआ 1 से, वाइल लूप कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जब चेक हुई आई इज इक्वल टू लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू होगी, जो हमारे पास कंपाइलर है, जो हमारी आईडी है, वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी। इसके अंदर एंटर हुई मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके अच्छा, आई होप आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, या मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी जी प्लीज। सर, ये जो वाइल लूप है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, स्ट्रिंग के लिए भी यूज हो सकता है, दोनों के लिए यूज होगा। हाँ जी, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे कुछ लिखवाना चाहेंगी? फॉर एग्जांपल हम अगर इसको यहीं से स्टार्ट करें तो ये यहाँ पे आप अगर कुछ लिखवाना चाहते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूँ। सर, वो जो आपने एक्स वाई वाला सिनेरियो किया है ना, नीचे जो भी आपने किया जी वहां जी पर, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे साथ लेगा, एक्स वाई, 1xy, नहीं 2xy, xy करके लिखा। यस इट्स जी ओनली जी राइट द स्ट्रिंग वैल्यूज ना, तो इसका मतलब है वाइल लूप हाँ स्ट्रिंग बिल्कुल, पे भी चलता है और उस पे भी है। हाँ जस्ट देख लेना, हम सिंपल केस पहले देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल से बन रही है कि जब आई जो है, आई आई चूंकि हमारे पास जो हमने आई को जो रिस्ट्रिक्ट किया है वो किया है आई जो है ये 1 to 10 तक है, ठीक है। तो आई 1 के लिए जो है ना ये एक दफा मल्टीप्लाई होगा, और फिर आई 2 के लिए हमारे पास 2 आ जाएंगे, ठीक है। यानी 2a नहीं होगा या 3a, उस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। तो आई की जो ओके भी वैल्यू होगी उतने टाइम्स यहाँ पे ये अपियर होगा, और जब आई 10 होगा तो फिर ये 10 टाइम्स अपियर होगा, ठीक है। सर, मैं इसमें थोड़ा सा अब ऐड ना करूंगा कि जी जी इसके अंदर प्लीज जो सा प्रिंट का हम स्टेटमेंट लगा रहे हैं ना, सिर्फ ये कम पाइथन के अंदर इस तरह काम करता है कि वो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देता है। फॉर एग्जांपल i2 है तो 2 टाइम्स a, i3 है तो 3 टाइम्स a। बट अगर आप जावा में काम करेंगे ना तो देन वो कंकेटिनेट करवा देता है इसको, मतलब 3 into a का मतलब है 3a, ठीक है, 3 के साथ a लगेगा। तो वो काम करने के लिए ना आपके करना होता है, आपको इधर i के अगेंस्ट ना, मतलब i के ऊपर str का फंक्शन लगा लें साइड पे, टाइप कास्ट कर दें, तो वो काम फिर सेम टू सेम वो हो जाएगा। सर, अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं साथियों को कि जब
आप बिगिनर कोर्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो मोस्टली दूसरी लैंग्वेजेस को बीच में ना लाया करें, ताकि जो नए साथी हैं वो कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है, आस्ता आस्ता कुछ अर्से बाद वो होना शुरू हो जाता है, लेकिन लेट्स सपोज अभी हम सिर्फ व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर किसी बंदे को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती और वो पहली लैंग्वेज सीख रहा है, तो ये ज्यादा हेल्प नहीं करता कि हम उसे किसी और लैंग्वेज का रेफरेंस देना शुरू कर दें, उसको नहीं पता चलेगा और ये जरूरत भी नहीं होती। कुछ अर्से बाद ये चीजें कॉमन सेंस लगना शुरू हो जाती हैं और कुछ अर्से बाद समझ आना शुरू हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर जरूर बताएं, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होगा इस बात का। यस, या उसे ये पता चलेगा कि अच्छा भैया आप एक लैंग्वेज से आगे भी सोच सकते हैं। जी कंटिन्यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा हमारा जो नेक्स्ट हम लिस्ट देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लिस्ट हमारे पास क्या है। तो लिस्ट को बेसिकली हम इस तरह से कहेंगे कि आप जब भी एक डेटा को स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं तो हम उसको लिस्ट कहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास जो है ये स्क्वेयर ब्रैकेट है। ठीक है, तो हम जब एक डेटा को ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी लिस्ट क्या है, लिस्ट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो जब आप उन ऑब्जेक्ट्स को एक स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो आपको जो है वो लिस्ट मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं, ये 5 पर्संस हैं। ठीक है, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो मुझे ये सारे के सारे नाम मिल जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जैसे स्टार्ट पे ना एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम -2 लिखते हैं या हम 2 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने नाम लिखे हैं मैं इनको इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि इंडेक्सिंग जो हमने पढ़ी थी कि ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता है 0 से। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो हम देखते हैं कि नेम्स के आगे जब मैं 2 लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये पर्सन यानी अदनान मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है। अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं तो ये अयाज ये 0 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसी तरीके से अगर मैं 4 पुट करता हूँ, ठीक है, तो 4 पुट करने से मुझे ये लास्ट वाला पर्सन मिल रहा है। बट यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, वो क्या है, वो ये है कि हम नेगेटिव नंबर के साथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें नेगेटिव नंबर फॉर एग्जांपल मैं -1 लेता हूं यहाँ पे नेम्स के आगे, तो जब मैं -1 यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे अगेन यही पर्सन जो है वो मिल रहा है, यानी राइट साइड पे जो लास्ट पर्सन है, ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैंने 4 लिखा था तो तब भी मुझे यही पर्सन मिल रहा था। तो सम टाइम पता है क्या होता है कि हमारा डेटा इतना ज्यादा होता है कि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो आप इतना काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो इट वाज वेरी इजी कि मैं 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकता था, बट आपका अगर डेटा ही इतना ज्यादा है तो आप लेफ्ट टू राइट उसको काउंट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि आपको जो एंट्रीज चाहिए हों फॉर एग्जाम्पल वो राइट साइड पे जो एंट्रीज हैं या जो करीब तरीन एंट्रीज है राइट साइड पे आपको वो चाहिए ना, तो हम राइट साइड से इसको काउंट करना शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे -1, -2, -3। इसी तरीके से लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट -2 मैं यहाँ पे लिख लूं, ठीक है, -2 अगर मैं लिखता हूं तो हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देख लें ये पर्सन मिल रहा है अमार। ठीक है, और ये यहाँ पे -2 की पोजीशन पे है, देन -3 के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड -4 के लिए मिलेगा। तो ये हमारे पास लिस्ट का जो है वो बेसिकली कंसेप्ट है कि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और आप जी प्लीज सर यहाँ पे आपने बताया कि ग्रुप मतलब सिंपल आपने तमाम स्ट्रिंग्स यूज किए हैं जो एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, डिफरेंट डेटा टाइप चूज कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4, ओके, तो आप देखें ये 4 को भी एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है, तो आप ये तो आपने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में 4 को लिखा, अगर स्ट्रिंग बना के वैसे इसको लिखा। ओके, हम इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो फिर भी एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच।
तो अच्छा, आज हमने यहीं तक करना था, हम इससे आगे कल मूव करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा उसमें हम अपनी स्पीड भी जो होगी ना वो थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीक है तो हमारे कुछ नए पार्टिसिपेंट भी आते रहते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम सारे लोग जो है ना वो एक साथ मतलब उनके कंसेप्ट्स एटलीस्ट उनको पता हो, ठीक है। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे अभी हमारे 4 सेशन हो गए, ठीक है, तो वीक में हमारे ये 5 सेशन होते हैं इसके, बट हर एक सेशन जो है ना वो यूट्यूब फेसबुक के ऊपर हमारे पेज के ऊपर मौजूद है ना, आई कोड गुरु। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिन लोगों ने पहले सेशन नहीं देखे तो आप वो जो हमारे सेशन हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं आप उनको जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी, और फिर उसके साथ साथ जैसे हम अभी इसको डिस्कशन के साथ कर रहे हैं तो हमें काफी नई चीजें भी सीखने को इससे मिलती है जब आप काफी ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई पार्टिसिपेंट ये चाहता है कि हम इन चीजों को रिवाइज कर दें, या कोई खुद से करवाना चाहता है रिवाइज, तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 6-7 मिनट है। सर, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो। जी सर, इधर हमने ना एक नंबर नेगेटिव लिया है, अगर हम यहाँ पे 2 नंबर नेगेटिव लें तो फिर कैसे होगी सर, ये बताइएगा जरा। अच्छा, लेट्स से कि आप ये कह रहे हैं मतलब जैसे -2 है जी सर, एक कॉमा लगा के एक नंबर और ले लें, मैं -1 ले लेता हूँ। तो उसके लिए हम 2 इंडेक्सेस लिखते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं हम कॉलम से। ये भी हम इस पर हम मजीद डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस पर ज्यादा टाइम चाहिए तो मे बी हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें, स्लाइस कह लें या सब लिस्ट हमने कैसे गेट कर ली। अगर इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। ऐसे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, और सर जफर से किसी का क्वेश्चन है कि आई एम न्यू टू प्रोग्रामिंग, विच लैंग्वेज आई लर्न फर्स्टली, पाइथन और C++। तो मेरे ख्याल से इनका ये फर्स्ट सेशन है आई कोड गुरु से, दैट्स व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात। तो मैं बताता हूँ, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आप पिक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करें तो। लेकिन अगर मेरे से किस स्टेज पे पूछे तो मैं पाइथन रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो ये यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, आप इसका जो सिंटेक्स है ना वो ईजी है रिलेटिव टू जावा या C++। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करनी है कोई, अगर आप इस स्टेज पे आपने पिक करनी है तो पाइथन बेहतर है, और डेवलपमेंट पाइथन में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब ये क्योंकि ये ओपन सोर्स भी है, अगर आप इस पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस के मॉड्यूल्स ऐड किए जा रहे हैं, तो इस स्टेज पे अगर किसी ने शुरू करनी है तो पाइथन इज अ बेटर चॉइस। लेकिन अगर आपको कोई और लैंग्वेज पसंद है, आपको C++ पसंद है, C पसंद है, तो क्यों नहीं। अब मैं चूंकि थोड़ा सा काम करता हूँ हार्डवेयर के पास, तो हम पाइथन ही यूज़ करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, जहाँ वहाँ पे C++ यूज़ होती है, क्योंकि पाइथन स्लो है इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। लेकिन ये स्लो क्यों मैटर करता है, क्योंकि आपने चीज़ें डिवाइसेस पे, अपने फोन्स पे, अपनी टैबलेट्स पे रन करनी होती है, जहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए। लेकिन लेकिन पाइथन बहुत जनरली यूज़ हो रही है, जहाँ पर आपके पास प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है, जहाँ पे आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपने ये काम 1 मिलीसेकंड में करना है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर हम पाइथन यूज़ करते हैं। तो मतलब अगर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको पाइथन रिकमेंड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच मैम हिजाब और मोहम्मद अयास फॉर लीडिंग दिस कोर्स और ये पढ़ाने के लिए। आप दोनों माशाल्लाह बड़े अकम्प्लिश्ड हैं, और ये मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा, आप लोग बड़े लकी हैं कि आप इन दोनों से पढ़ रहे हैं। ये मैं अगर आप इन लोगों के प्रोफाइल्स देखें माशाल्लाह, ये बहुत अकम्प्लिश्ड लोग हैं अपने अकेडेमिक्स में, तो बड़ी बात है कि ये आप लोगों को टाइम दे रहे हैं और इस तरह पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर इनसे फायदा उठाएं। और थैंक यू सो मच, मैं भी देख रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप माशाल्लाह, थैंक यू फॉर टीचिंग दिस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एप्रिसिएशन, इट मींस अ लॉट फॉर अस। तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे, और इसके अलावा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आई कोड गुरु और ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है। नहीं नहीं, बड़ा आप लोगों की वजह से चल रहा है, आप लोग जो वॉलंटियर हैं उसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, तो थैंक यू फॉर दिस।
चलें, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए स्टूडेंट्स की तरफ से। मोहम्मद हसनैन, आपको अपना आंसर मिल गया है ना? मोहम्मद हसनैन अभी हैं या ड्रॉप कर गए? हाँ है जी, ठीक है, मेरा ख्याल है। यस सर, मिल गया मिल गया। जी जी बिल्कुल, तो आप पाइथन से शुरू करें, मेरा ख्याल है मतलब बेहतर है, उसका स्कोप बहुत वाइड है। अभी हम भी देखिए करते हैं, सी प्लस प्लस में काम है लेकिन स्क्रिप्टिंग पाइथन में हो रही होती है। अगर हमने कोई स्क्रिप्ट लिखना है तो हम पाइथन में लिखते हैं, और इन द एंड पता है जब आप एक लैंग्वेज सीख लेंगे ना तो आपको पता चलेगा इतना चीज डिफरेंट नहीं है, आप कोई दूसरी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इन द एंड क्या है, फॉर लूप्स हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वेरिएबल असाइनमेंट है, फंक्शंस हैं, ये तो हर लैंग्वेज में है। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस आई है थोड़ी सी अब मॉडर्न लैंग्वेजेस में, जैसे हमें सी में काम करते हैं, सी में ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस नहीं है, हम सारा काम स्ट्रक्चर्स में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन अब सी चूंकि पुरानी लैंग्वेज है और वो थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, तो वो उसमें वो नहीं है, लेकिन अब आप जावा में है, सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस में बड़ी एडवांसमेंट हो रही है, तो लेकिन मैं आपको बिल्कुल पाइथन रिकमेंड करूंगा अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो। ओके सर, थैंक्स, थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी वैल्यू ऐड किए सेशन में और काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई हैं, तो आई होप कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हमारे सेशन का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो हम इस सेशन को फिर एंड कर देते। सर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, बस थैंक यू इस सेशन रन करने का, और स्टूडेंट्स का भी थैंक यू कि आप लोग अटेंड कर रहे हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन।